आज हम बनाने वाले हैं आलू और शिमला मिर्च की बहुत ही मजेदार लाजवाब सब्जी, वो भी बिना टमाटर प्याज के, सिर्फ बेसिक मसालों के साथ। और रेसिपी इतनी सिंपल है कि सिर्फ 3 स्टेप्स में हम इस सब्जी को बना करके कर लेंगे तैयार। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी, आज की मजेदार और लाजवाब रेसिपी शुरू करते हैं। तो भी आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए होने वाला बहुत ही मजेदार, क्योंकि इससे हमें 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो हमारे समय की बचत होगी और दूसरा पैसों की। इसलिए क्योंकि हम बनाएंगे बिना टमाटर प्याज के, और इसलिए हमारा बचेगा समय भी, तो होगी ना दोनों की बचत। और खाने में इतनी लाजवाब होती है ना, अगर एक बार आपने सेम तरीके से मेरी इस रेसिपी को फॉलो किया ना, हर बार आप इस तरीके से बनाएंगे। तो पहला स्टेप ये है कि हम इस सब्जी को अच्छे से धो करके कर लेंगे कट। तो आप चाहे तो बड़े बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं या छोटे, जैसे आपको पसंद हो उसी तरीके से कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने पहले स्टेप में सब्जी को कर लिया है कट। अब आती है दूसरे स्टेप की बारी। तो हम ले लेंगे एक कटोरी और इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। बेसिक मसाले लेंगे, जिसमें कि हम ले रहे हैं 1/2 चम्मच से ज़्यादा नमक, और हम लेंगे 1/2 चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच ही हल्दी पाउडर, और 1.5 चम्मच भर करके हम लेंगे धनिया पाउडर। वो इसलिए भाई, क्योंकि और हम यहाँ पर टमाटर प्याज तो नहीं डाल रहे ना, तो मसालों का टेस्ट ही तो आना चाहिए, और यही तो है मैजिक जो सब्जी को बना देता है बहुत ही लाजवाब। और हाँ, अगर इनके अलावा आप एक्स्ट्रा मसाले जैसे छोले मसाला, चिकन मसाला, जो भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो बस जी, इन्हें कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और सेकेंड स्टेप के अंदर ही हम ये कर रहे हैं कि तेल रखा है हमने 1.5 कच्ची सरसों का, जो कि हो चुका है अच्छे से गर्म। अब हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, लेंगे सिर्फ 2 लहसुन की कलियां और इन्हें कर लेंगे लंबाई में कट, क्योंकि इससे भी बहुत ही जादुई टेस्ट आता है। लहसुन का जो टेस्ट है ना, इस तरह से छौंका मारने में एक अलग ही उसकी खुशबू होती है। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। और ये है कड़ी पत्ते, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मेरी बेल्कनी गार्डन में मैंने खूब उगाए हुए हैं, तो मैं इन्हें स्टोर करके रख लेती हूँ इस तरीके से। अगर आपके पास भी हो तो आप ऐड कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब खैर, हम कुछ ही सेकंड्स इन्हें फ्राई करेंगे, और जैसे ही ये फ्राई हो गए तो हम ऐड कर लेंगे इन पीसे मसालों को। और जैसे ही पीसे मसाले ऐड करेंगे, इमीडिएट ऐड कर लेंगे अपनी सब्जी को, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर होगी ना भाई, फिर तो मसाले जो है वो जल जाएंगे और आ जाएगी उनमें कड़वाहट और वो हो जाएंगे काले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तेल गर्म है ना, तो बस जैसे ही मसाले डालेंगे इमीडिएट हम सब्जी डाल देंगे, और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन मसालों के साथ, ताकि जब वो कुक हो तो सभी मसालों का टेस्ट जा सके इस सब्जी के अंदर। भाई तभी तो लाजवाब बनेगी ना सब्जी। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे। हाँ, उससे पहले ये है कि मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें, क्योंकि अक्सर मैं सूखी सब्जियों में हरी मिर्चें इसी तरीके से ऐड करती हूँ, और ये हरी मिर्चें भी इस सब्जी को बना देती हैं और भी ज्यादा मजेदार, जब रोटी के साथ खाते हैं ना सब्जियों को कट करके थोड़ा थोड़ा सा अचार की तरह। तो अब जो सेकंड स्टेप हो गया कंप्लीट, हम आ गए हैं यहाँ पर 3rd स्टेप में। तो हम ढक करके रख देंगे इस सब्जी को कुक होने के लिए, थोड़ा सा ढक्कन को इस तरीके से खोल करके जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, और फ्लेम को रखेंगे लो से थोड़ी सी ऊंची, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब क्या होगा, इससे जो एक्स्ट्रा भाप होगी वो बाहर आ जाएगी, निकल जाएगी, और हमारी सब्जी फर्स्ट क्लास खड़ी खड़ी बनेगी। तो साइड बाय साइड देखिए, मेरी सब्जी यहाँ कुक हो रही है, और भाई जैसे कि मैं कर रही हूँ सुबह का ये खाना तैयार, जो कि लंच के पैक के लिए हस्बैंड के लिए, तो टाइम कम होता है ना, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस तरीके से सब्जी बनाती हूँ। तो जब सब्जी इतनी टेस्टी बनती है, टमाटर प्याज डालने की जरूरत क्या है, फटाफट दोनों तरफ हमारी सारी सब्जी और खाना यानी तैयार हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर सब्जी को हिला रही हूँ, यानी ऊपर नीचे बीच में एक बार मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन 7 मिनट हो चुके थे इसे कुक होते हुए, तो फिर से सेम उसी पोजीशन में ढक करके हम रख देंगे इसे कुक होने के लिए लो से ऊंची फ्लेम में। अगर हम पूरी तरह से ढकेंगे ना, तो फिर ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है और सब्जी जो है फिस जाती है, फिर मजा नहीं आता खाने में और ना देखने में अच्छी लगती है। और अब यहाँ पर सब्जी को कुक होते हुए तकरीबन टोटल 15 मिनट हो चुके हैं, और हमने एक बार बीच में इसे ऊपर नीचे कर भी लिया था, यानी हिला लिया था। तो हमारी सब्जी फर्स्ट क्लास 15 मिनट में हो चुकी है तैयार, लो से थोड़ी सी ऊंची फ्लेम में कुक होते हुए। ये देखिए बहुत ही मजेदार है, तो चेक भी कर लेते हैं कि कुक हुई है कि नहीं। तो ये देखिए आलू कितने अच्छे से गल गए ना, बहुत ही परफेक्टली ये गल चुके हैं, तो इससे ज्यादा कुक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को कर लेंगे बंद, और मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी को नजदीक से, देख कितनी लाजवाब सब्जी बनी है, और दूसरी तरफ हमने रोटी भी बना करके कर ली है तैयार। तो देखिए हमारे टाइम की भी बचत हो गई, और सब्जी भी बहुत स्वाद बनी है, और साथ में हमने यहाँ पर जो टमाटर प्याज नहीं डाला, तो पैसों की बचत भी तो हो गई है ना। तो जब सिंपल तरीके से हमारी सब्जी अच्छी बन सकती है, तो हम इतने ज्यादा तामझाम या मुशक्कत क्यों करें, भाई मेरा मानना तो यही है। तो ये देखिए जी, क्या लाजवाब लग रही है, क्या शाइन आ रही है,
लुक वाइज भी कितनी मजेदार मसालेदार लग रही है ना। और अब जैसे कि हम गैस को कर चुके हैं बंद और सर्व कर रहे हैं अपनी मजेदार लाजवाब मसालेदार आलू शिमला मिर्च की सब्जी को। आप चाहे तो आपके घर में कभी अचानक गेस्ट ने आना हो और आपके पास टाइम कम हो तो तब भी आप ये वाली सब्जी बना करके उनके आगे कर सकते हैं सर्व। सच मानिए वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और हाँ, एक काम की बात और, इस सब्जी के अलावा आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, आलू बैंगन या आलू घिया वगैरह भी सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। भी मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि तरीका तो एक लेकिन फायदे अनेक, है ना। तो चलिए, जो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।